दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं दूदू तहसील के आदरवा गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा भी ये बाउंड्री से हम दिखाते हैं आपको। ये अभी पिलर्स लग रहे हैं। अभी हमारे प्रगतिशील कुछ भाई हैं हमारे जो अभी टीक फार्मिंग कर रहे हैं हमारे साथ, कमर्शियल फार्मिंग इन्होंने मन बनाया है और लगभग 5,500 पौधे यहाँ पे हम लोग बर्मा टीक टिश्यू कल्चर के लगाने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मिट्टी की अभी सब तैयारी कर रहे हैं, अभी पिलर्स लगा रहे हैं और पूरे की अभी कुछ इधर से जेसीबी से हमने इसको पूरा ठीक कराया है। लेवलिंग अभी हमारी हो चुकी है, पूरा लेवलिंग वगैरह सारी हो गई है हमारी और पूरा पीछे तक जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक हमारा ये पूरा ये एक पैच है 20 बीघे का। और ये हमारे मित्र हैं किशन जी और दुर्गेश जी दिल्ली और जयपुर से, तो ये लोग भाई लोग कर रहे हैं हमारे साथ इस काम को। तो इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया, इन्होंने हमारा एक पुष्कर में फार्म था जिसमें हमने 7,000 के आसपास प्लांट लगा रखे हैं टिश्यू कल्चर के, बर्मा टीक के, उसकी ग्रोथ को देख के, उसको चीज़ को देख के इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम भी अपनी इस ज़मीन पे काम करते हैं। तो कल से यहाँ पे लेवलिंग और ये कम्प्लीट हो जाएगी और फिर डिगिंग का, गड्ढे खुदने का और ग्रीन नेट वगैरह आज हम लोग लेके आए हैं वो सब यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, एक छोटी नर्सरी सेटअप बन जाएगा और उसके बाद फिर प्लांटेशन का काम अगले 7 से 8 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और उधर हमने अब आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, वहाँ पे हमने अपना बोरवेल करा रखा है जहाँ से पूरा पानी का यहाँ इंतज़ाम है और अभी यहाँ वाटर स्टोरेज टैंक बन जाएगा। और अभी हम उनसे अपने जो किशन जी हैं और दुर्गेश जी हैं उनसे आपको रूबरू भी कराएंगे, उन्हें इसमें कैसे इंटरेस्ट बना, कैसे उन्होंने डिसीजन लिया। तो अभी आज हम फरवरी 16 तारीख को हम लोग यहाँ खड़े हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पर बहुत फ़ोन आते हैं हमारे वीडियो को देख के कि सर हम भी कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं, पर बहुत से लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे वो अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे, जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बेस्ट टाइम अगर आपको वाकई में टिम्बर की खेती करनी है, टिश्यू कल्चर बर्मा टीक की खेती करनी है, तो सबसे बेस्ट टाइम है ये। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया मौसम है, धूप अच्छी हो गई है, ठंड का माहौल भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो सबसे अच्छा मौसम लगाने का यही है। इस मौसम में अगर हम इस डिसीज़न को लेते हैं और इस फार्मिंग को करते हैं तो आपको इस बिज़नेस में कभी लॉस नहीं हो सकता, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आप ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरा हमने इसको, ये सब ट्रैक्टर से हमने इसको प्लेन करवाया है, लेवलिंग कराई है और यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा बोरवेल को हम अपने फोकस करते हैं। तो पूरा यहाँ पे बोरिंग का, पानी का, अभी यहाँ वाटर स्टोरेज टैंक का भी कल से काम चालू हो जाएगा जेसीबी से, जिससे कि पौधों को कभी भी पानी की कमी ना महसूस हो, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा देखभाल करनी पड़ती है, 4-5 महीने जब तक बारिश का भी मौसम नहीं है, तो थोड़ा हम हर रोज़ 1-2 लीटर पानी से इसको सर्वाइव कराएंगे। और कुछ हमने दवाइयाँ और मिट्टी को तैयार करने की तरीके बताए हैं तो हमारे फार्मर्स वो कर रहे हैं। ये पूरा बोरवेल है हमारा, ये अभी पूरा किया है और बहुत अच्छा पानी यहाँ हो गया है। तो सब लोग इस डिसीज़न को लें और बिल्कुल राइट टाइम है। अगर ये टाइम आप चूक गए, अगर इस टाइम को आप चूक जाते हैं तो आप अच्छी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे या आपकी सक्सेस लेट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा टाइम है। जितने लोग अभी तक क्वेश्चन करते थे, इंक्वायरियाँ कर रहे हैं और फाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मैं चाहूँगा वो जल्दी से जल्दी फाइनल डिसीज़न लें और नेक्स्ट वीक से प्लांटेशन अपनी अपने एरिया के अंदर स्टार्ट कर दें। आपको अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट वैरायटी के बर्मा टीक टिश्यू कल्चर प्लांट हमारे से प्रोवाइड हम लोग कर देते हैं, आपको डिलीवरी के साथ मिल जाते हैं और हमारी गाइडलाइन पूरी रहती है कैसे उस प्लांट को आपको लगाना है, कैसे आपको उसको देखभाल करनी है, किस मौसम में कितना पानी, कितनी खाद, कौन से स्प्रे करने हैं, कौन सी आपको उसमें पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है आपको यूज़ करने हैं, वो सारा गाइडेंस हमारी तरफ से रहता है। और आप इस बिज़नेस के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जब 5,500 पेड़ का वेंचर बनेगा और ये वेंचर जब 10 साल में तैयार होता है तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कितना प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। अगर 30,000 रुपये का भी पेड़ बेचते हैं तो 17-18 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट होता है, 40,000 का बेचते हैं तो 20-22 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होता है,
50,000 का बिकता है तो लगभग 25 करोड़ से भी ऊपर का रिवेन्यू जनरेट होता है। तो आप अपनी लाइफ में सोच नहीं सकते इतना पैसा वो आप प्रैक्टिकली टिम्बर फार्मिंग में कमा सकते हैं, ये मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे इसके ऐसे एग्जांपल्स हैं लोग फार्मिंग से कहाँ पहुँच चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा अपने जो हमारे फार्मर्स हैं उनसे भी थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एक उनसे पूछते हैं उन्होंने क्यों इस डिसीज़न को लिया। अभी हम आ गए हैं अपने प्रगतिशील जो हमारे किसान भाई हम बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा वैसे तो ये कॉरपोरेट से हैं और बड़ा अच्छा अपने फील्ड में कामयाब व्यक्ति हैं, पर अब इन्होंने कुछ कमर्शियल फार्मिंग का फैसला लिया है कि हम कमर्शियल फार्मिंग करेंगे और बर्मा टीक की खेती करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा आपने मतलब डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, किस चीज़ से आप इतना इंस्पायर हुए? जी मेरे एक बड़े नज़दीकी मित्र थे, उनसे सुना था आपके बारे में, तो उन्हीं के थ्रू रेफरेंस से मैंने आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स विजिट किए और एक दो प्रोजेक्ट में आपने भी मेरे को साइट्स अपने विजिट कराई जी। उसको देखने के बाद लगा कि हाँ यार ये जो बिजनेस है वाकई नेचुरल बिजनेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लाग लपेट या छुपाने वाली बात हो, जो चीज़ें आपकी ज़मीन पे सामने हो रही है आप बढ़ते हुए अपने बच्चे की तरह इसको देख रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ बिजनेस मॉडल की, बिजनेस मॉडल समझने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की, नेट पे भी, यूट्यूब पे भी, और जो अपने और सर्कल में जो लोग हैं उनसे भी पता किया कि क्या इसका फ्यूचर है या नहीं, कि मैं इस वेंचर को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपने दूसरे बिजनेस के साथ में। तो पहले मैंने सोचा था कि यार एक छोटा सा मैं इनके यहाँ इनके 2-3 बिजनेस प्रपोजल हैं उनमें से एक ऑप्ट कर लूँ। फिर घर में जब डिस्कशन हुआ तो ये लगा कि नहीं यार, इसको अपने पास लैंड है तो उस लैंड पे हम लोग नॉर्मल खेती के साथ में इसको एक एरिया एलोकेट करते हैं, उसमें लगा के देखते हैं। और जिस तरह की स्टडी और रिसर्च बताती है और जितना भी नॉलेज मैंने गेन की नेट के थ्रू या और सर्कल के थ्रू, तो पता चला कि भाई हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो, अगर आपके अपनी ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 मॉडल अलग अलग हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को तो अपने ऑन करना था। हमारे पास ये लैंड थी यहाँ पे दूध डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग यहाँ पे बरसात के दिनों में जैसे गेहूँ उगा लिया या चना उगा लिया वो करते थे रेगुलर, अपना जो फसल लेते ट्रेडिशनल खेती हम लोग कर रहे थे। तो अभी जब सुना तो बर्मा टीक टिश्यू कल्चर के बारे में, तो हमने सोचा चले यार इसको लगा देते हैं साथ में, इसको करके देखते हैं। और एक 1.5 साल लग गया मेरे को माइंड मेकअप करते देखते हुए, यूं नहीं कि मैं देखो ज़मीन पड़ी हुई है उस पर हम खेती जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें एकदम, जब मेरा बिल्कुल दिल से ये हो गया एंटायर सेटिस्फेक्शन, उसके बाद हमने ये कॉल लिया, ये इस बार की फसल निकालने के बाद इस ज़मीन को हमने तैयार किया। जैसे राकेश जी ने गाइड किया हमें कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उससे पहले तो पूरी ज़मीन की लेवलिंग है, उसके अंदर जो भी फर्टिलाइज़र डालने हैं वो है, फिर इसके ऊपर ट्यूबल व्यूबल की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से राकेश जी की गाइडेंस से किया। और होप सो अगर हम इसमें करीब करीब 5,000 पेड़ लगाने का प्लान है हमारा, और एज पर आज की जो स्टडी बताती है उसके हिसाब से जो मार्केट का सिनेरियो है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो मरे से मरा रेट डाउन भी जाएगा, जैसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें जो बिजनेस टर्म में लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाए, इसका हमें आगे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या आउटकम मिलेगा, तो उन सब चीज़ों को स्टडी कर, मैं कहता हूँ आज का जो रेट है अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, लोग जैसे जुड़ रहे हैं इस बिजनेस में, तो मैं कहता हूँ उसका रेट अगर कम भी आएगा ना तो कम, वैसे तो आज के प्रोजेक्टेड रेट के हिसाब से 40 से 50 करोड़ रुपये का बिजनेस मेरे 5,000 पेड़ देंगे मुझे आने वाले 10 से 12 सालों में, सब कुछ ठीक रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रहे तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ सप्लाई ज़्यादा होगी और रेट कम हो गया तब भी इतना नीचे नहीं जाएगा कि मैं इसका 50%, तो मेरा 25 से 30 करोड़ का मेरा एम है, मैं ज़्यादा उसमें ये नहीं सोचता कि मेरा जो आज का रेट है वही मिले, तो 25 से 30 करोड़ भी आएगा तो मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूँ जो इसमें मैं 20 एकड़ में अपने करता था फार्मिंग उसके कंपेरिजन में बहुत ही मतलब अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस है, सैकड़ों गुना ज्यादा, इसमें ज्यादा मुनाफा है और उतनी केयर नहीं है जितनी बाकी और चीजों में होती है। इसके टाइम टू टाइम हमें ड्यू कोर्स पे जो फर्टिलाइजर लगाने हैं या इसके अंदर डीप इरिगेशन वाला जो सिस्टम इसमें लगा देंगे तो क्या है कि सिंगल बटन से दबाया तो सभी पेड़ों के अंदर सिंचाई हो जाएगी, तो उस तरह की चीजें हैं जो आने वाले टाइम में राकेश जी बीच बीच में जब कभी इंटरव्यू के लिए आएंगे या देखने के लिए आएंगे, पूरा विजिट हम करेंगे यहां पे लगवा के पूरा अपडेट करते रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट को। आज मेरे लिए तो बहुत ये मतलब कि उसकी बात है पूरे प्रोजेक्ट को आज हम दिखाई स्टेज पे रहे हैं कि आदमी देखेगा जीरो लेवल से जब पौधा स्टार्ट होता है, और जब हम इसकी अगली वीडियो का भी 1 साल बाद बनेगी तो आज की स्टेज पे और 2 साल बाद वो किस स्टेज पे है। आपने जैसे 1.25 साल में मन बनाया तो
तो हमारे फॉर्म को इन्होंने बिल्कुल ऐसे स्टेज पे भी देखा है जहाँ हमने पौधे शुरुआत किए थे, लगे हुए थे, और उसके बाद एक साल बाद जब ये गए तो ये खुद हैरान हुए कि उस पौधे के मतलब टॉप पोजीशन तक हाथ ऊपर करने के बाद भी नहीं मतलब उसको टच कर सकते, इतनी हाइट वो पौधे ले चुके थे विद इन ईयर। तो वो सारी ग्रोथ से शायद आपका कॉन्फिडेंस भी मुझे लगा काफी इंक्रीज हुआ। हुआ मेरे को वो ग्रोथ देखने के बाद आपके साथ और आपके बाद भी मैं 3-4 बार विजिट करके इसीलिए अपने लाइव फॉर्म हमने ओपन कर रखा है, बच्चे की तरह बढ़ते हुए देखा है पेड़ को। तो आज मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि जितनी ये ग्रोथ बता रहे थे उससे ज्यादा ही है, इन लोगों ने मेरे को हल्के कम बताया। ये बेसिकली टिश्यू कल्चर प्लांट की एक खास बात है कि इसमें सबसे जो इसके डीएनए के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर होती है, पौधा सीधा चलता है, ज्यादा टहनियां नहीं आती, वुड का कलर अच्छा होता है और इसमें ज्यादा बीमारी वगैरह या इस तरीके के रोग वगैरह ज्यादा नहीं आते हैं। और ये पौधा डैमेज अगर हम बात करें तो होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, और कोई होता है तो हमारी अपनी गलती से होता है, जब हम लगाने में कोई सावधानी नहीं बरतते हैं, उसकी जड़ हिला देते हैं या हम उसके अंदर गड्ढे में हवा छोड़ देते हैं या हमको इसमें पैर रख देते हैं उस पौधे के ऊपर ही, तो ही डैमेज होता है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कोई चांस होते नहीं है। तो जितने लोग इस वो वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग डिसीजन लेना चाहते हैं मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ ये सबसे गोल्डन टाइम है इस प्रोजेक्ट को लगाने का, प्लांटेशन को करने का। अगर अब लगा लेते हैं तो इससे अच्छा टाइम फिर वो टाइम निकल जाएगा आपका, अगर आप इसको और जाके सर्दी के आसपास लगाने की सोचेंगे तो आपके पौधे के अंदर डैमेज या मोर्टलिटी बढ़ जाती है और उसकी ग्रोथ भी सर्दियों में क्योंकि होती नहीं है, तो आपको भी एक आपको मोटिवेशन भी कम होता है कि यार ये मैंने लगाया था 3 महीने हो गए बढ़ नहीं रहा ये, तो वो आपके लिए एक मुश्किल भरा टाइम होता है। तो अभी लगाओ, सबसे अच्छा टाइम है, जब तक सर्दी आएगी जब तक आप उसकी छाई के अंदर आप बैठने लायक हो जाओगे बिल्कुल उस स्टेज पे पौधा चला जाता है, अच्छी हाइट ले लेता है। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच, आज मैं अपने 1 साल से कम वाले फॉर्म पे भी खड़ा होता तो मैं उसके ऊपर टिप को टच नहीं कर पाता हाथ ऊपर करने के बाद भी, जैसा आपने कुछ पुरानी मेरी वीडियो में देखा भी होगा। तो जो लोग डिसीजन लेना चाहते हैं डिसीजन लें और फटाफट हमसे एडवाइस लें, और नेक्स्ट वीक से प्लांटेशन इसके अंदर हम पूरी पेड़ लगने शुरू हो जाएँ, कल से हमारे यहाँ गड्ढे खोदने का काम है, ड्रिप सिस्टम है, वो सारे एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तारबंदी आप देख रहे हैं पीछे, कुछ हमने खंभे वगैरह लगाए भी, तारबंदी हमारी स्टार्ट हो रही है, तो अभी कुछ रॉ मटेरियल आना है, तो वो सब चीज़ हमारा नेक्स्ट वीक तक ये सारी प्रिपरेशन हमारा टारगेट है, मार्च से इस फॉर्म को पूरा स्टार्ट कर दें। तो थैंक यू।